डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लुपेक्स मिशन की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर लुपेक्स मिशन पर काम करेगा। तो चलिए अब जानते हैं लुपेक्स मिशन के बारे में। लुपेक्स मिशन का पूरा नाम लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। ये जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बीच एक सहयोगी उद्यम है। इसरो के अनुसार इस मिशन को वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थायी गतिविधियों के लिए चंद्रमा पर आधार स्थापित करने की संभावना, जल बर्फ संसाधनों की उपलब्धता और सतह अन्वेषण प्रौद्योगिकियों का अध्ययन करना है। साथ ही इस मिशन में एक रोवर और लैंडर का उपयोग किया जाएगा। बता दें कि जाक्सा और इसरो क्रमशः रोवर और लैंडर विकसित कर रहे हैं। इसका रोवर न केवल इसरो और जाक्सा बल्कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA के उपकरणों को भी ले जाएगा। अब जानते हैं लुपेक्स मिशन के लिए प्रस्तावित उपकरण क्या है। अंतरिक्ष विभाग की एक स्वायत्त इकाई भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL ने लुपेक्स मिशन के लिए कई उपकरणों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें मुख्य रूप से चंद्रमा के स्थायी रूप से छाया वाले ध्रुवीय क्षेत्र के पास की सतह और उपसतह का माप करना शामिल है। इस मिशन का एक प्रस्तावित उपकरण परमिटिविटी एंड थर्मोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर मून एक्वेटिक स्काउट यानी प्रतिमा है, जिसका उद्देश्य रोवर या लैंडर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके चंद्र सतह और उपसतह मिट्टी के साथ मिश्रित जल और बर्फ का स्थान पता लगाना और उसकी मात्रा को निर्धारित करना है। जबकि एक अन्य प्रस्तावित उपकरण लूनर इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट एक्सपेरिमेंट यानी LEDX है, जिसका उद्देश्य आवेश धूल कणों की उपस्थिति का पता लगाना और अस्थिर समृद्ध ध्रुवीय क्षेत्र में धूल उत्तोलन प्रक्रिया की पुष्टि करना है। चलिए वक्त हो चला है टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, लुपेक्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ये जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बीच एक सहयोगी उद्यम है। इस मिशन को वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।